तो आज हम यहाँ हैं BTS की एक न्यू कलेक्शन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो उन्होंने मिलकर एक साथ बनाई है। हेलो, मैं हूँ आपका होस्ट शुगा। तो आज के स्टार है हमारे आरएम और ये इनका ही एपिसोड है। तो इन्होंने बनाया है वाइट जिमी एंड जोगर पैंट्स। हेलो हेलो, मैं हूँ आरएम। तो मैंने जो बनाया है वो पंगियो पॉन्च वाइट जिमी। तो वाइट जिमी आप देख सकते हैं और ये है आर्मी जोगर पैंट्स। और मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। नाइस टू मीट यू। पोंजियो पैंग वेट जिमी और आर्मी जोगर पैंट्स, ये क्या है? तो आप हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको वाइन चीनी के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप इस तरफ देखें तो ये है वाइन चैन। ओह, तो इसे कहते हैं वाइन चैन। हाँ, अगर आप कैंपस में जाते हैं तो वहाँ आपको मछली के साइज के वाइन चैन नजर आएंगे। तो इसकी आवाज खूबसूरत सी हवाओं में घूमती है। जिन लोगों के घरों में छत और बालकनी नहीं है वो लोग नहीं सुन सकते। तो मैंने इसीलिए एक छोटे से साइज का ये बनाया। तो ये दरवाजे और खिड़कियों पे लटकाया जा सकता है जहाँ आपको अच्छा लगे। ओह, ये बहुत ही क्यूट वर्जन है। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की है कि इसकी शेप बाकी मछलियों जैसी नहीं है। हाँ, जैसे तुम टेम्पल्स में वाइन चिम देखते हो, ये से मुख्तलिफ है। मैंने ये पोंगे पोंग की शेप का बनाया है। क्या तुम्हें ये क्यूट नहीं लग रहा? हाँ, कोई भी इसे अपने दरवाजे या खिड़कियों के ऊपर लटका सकता है, ये अच्छा लगेगा। ये बहुत ही क्यूट सब पोंगे पोंग है, आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। ओ, बिल्कुल सही। तो आपके पास दूसरा जो आइटम है हमारे साथ शेयर करने के लिए वो कौन सा है? हाँ, वो आइटम ये रहा, आर्मी जोगर्स पैंट। इसे बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है और इसकी हर छोटी छोटी डिटेल को सोचा है मैंने। हाँ, ओ, मगर तुमने भी असल में यही पैंट पहनी हुई है? हाँ, बिल्कुल, मैंने भी अभी यही पैंट पहनी हुई है। ओ, ये तो बहुत जबरदस्त है। हाँ, अगर तुम यहाँ पर देख सको तो। ओप्स, ये वाइन चिमी साउंड तो बहुत ही रिफ्रेशिंग साउंड है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके नीचे ऊन लगी हुई है। ये ज्यादा मोटी नहीं है इसलिए आप इसे पूरा साल पहन सकते हैं। और ये है इसका कफ। ये एक कफ के साथ आपके घुटनों के इस स्नोगले के लिए टाइप किया गया। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार जोगर्स पैंट पहनी है तो इसीलिए इसको बेहतरीन कपड़े के साथ बनाया गया। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो इसके पीछे भी हम लोगों ने पॉकेट्स लगाई हैं। ओ हाँ, इसके बैक पे तो पॉकेट्स भी हैं। तो जोगर्स के बारे में बुरा क्या है? और जब आपका आजादपन आपको सामने नजर आए तो आप इसको अंदर भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, जैसे अभी एंड्रॉइड तरीके से मैंने इसको हाइड किया है। हाँ, मैंने देखा। वाओ, अगर मैं आजादपन को बाहर निकाल कर आपको दिखाऊं, ये देखिए। वाओ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, और ये इसकी फाइनल डिटेल्स है, इस पे BTS ने लिखा है। अब आपको ये क्लियर नजर आ रहा होगा। ओह, पर जो लोग ये सोचते हैं कि ये तो बहुत आम सी बात है और अगर आप इस तरफ साइड पे देखें तो उनके लिए ये है आर्मी का सैंपल। ओह, आई लव इट। तो ये डांस प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट है। और हम जब इसे पहनते हैं तो हम हमेशा आर्मी के बारे में सोचते हैं। ओह वाओ, आरएम ने वाकई ही इन चीजों से बहुत मोहब्बत की है। और आप जब इन वाइट जींस और जोगर पैंट को इस्तेमाल करेंगे तब क्या होगा? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आप इसे पहन के कैसे लगेंगे। खिड़की के सामने बैठ के चाय पीते हुए वाइन चैन का साउंड सुनेंगे तो आपको कितना सुकून महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी टेंपल में बैठे हो। मैं इसका नेचुरल साउंड महसूस कर सकता हूँ और इसको सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हम गर्मी में पोंजी पोंग खा रहे हैं। ये एक कोरियन वाइन चैन है और ये परफेक्ट है हर सीजन के। और हमारे दूसरे मॉडल ने जोगर्स पैंट पहनी हुई है लेकिन वो इनको हवा देते हुए बहुत ही स्टाइलिश और नाइस लग रहे हैं। वैसे तो कमर्शियली मैंने 5 वाइन चैन खरीदे हैं लेकिन अब मैं अपना वाइट चैन इसके साथ चेंज करने जा रहा हूँ क्योंकि ये मछली बहुत ही क्यूट है। वाओ, वाइन चैन का व्यू तो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हाँ, एक्चुअली ये मेरी हैंडराइटिंग है और यही इस आइटम की हाईलाइट है। मुझे लगता है लोग इस जोगर्स पैंट पे भी बहुत इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि ये हमारा एक खूबसूरत सा मॉडल इसको प्रेजेंट कर रहा है। इसे पहनकर आप एक्सरसाइज करते हुए बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। वाओ, इट्स फील ग्रेट। हाँ, बिल्कुल, जब आप वर्किंग आउट कर रहे हो और आपने जोगर्स पैंट पहनी हुई हो तब भी आप वाइन चैम का साउंड सुन सकते हैं। वाओ, अमेजिंग। तो ये वाइन चैम और जोगर्स पैंट्स और ये व्यू, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। आप इसे सारा साल हर सीजन में पहन सकते हैं। जब हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे
हम क्यों नहीं बाहर नेचर में जाकर एक्सरसाइज कर सकते थे। तब मैंने अपनी रवायतों के खिलाफ जाकर इस ट्रेडिशनल ये पोंजी पोंग बनाया। इस सोच ने मेरे दिमाग को क्रॉस किया कि क्यों नहीं हमारे पास एक क्यूट सा वाइन चैम है। बस इसी सोच की वजह से ये मैंने बिंगो पेंच वाइन चैम बनाया। तो अब मैं आता हूँ अपने जोगर्स पेंच की तरफ कि मैंने ये क्यों बनाया। जोगर्स ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है जब आप जॉगिंग करते हैं। और दूसरे रेगुलर जोगर्स पेंच के बारे में क्या कह रहे हैं, वो घुटनों से बाहर है। क्या आप अपना लेफ्ट घुटना उठाएंगे ऊपर? ये बहुत ही कंफर्टेबल और फिट है और घुटनों से स्ट्रेच भी नहीं है। और ये आपके घुटनों को रोकने के लिए। ओह ठीक है, ये थोड़ा सा चिपकता है लेकिन ज्यादा नहीं। और ये कॉटन का बना है, हम इसे 100% परमिट नहीं कर सकते। लेकिन ये जोगर्स पैंट आपके घुटनों पे बस थोड़ा सा ही चिपकेगा। और इस पैंट्स पे आर्मी की आइडेंटिटी भी डिस्प्ले है। अगर आप इसे पहन के जॉगिंग के लिए रिफ्रेशिंग के लिए जा रहे हैं तो आप भी एक आर्मी बन सकते हैं। और आपको एक अलग से बैग भी उठाने की जरूरत नहीं है। आपको ये डंपल नजर आ रहे हैं, आप इनको उठाएं और अपनी पॉकेट में इस तरह से रख लें। वाह, मुझे लगता है कि आज मैं भी वर्कआउट कर सकता हूँ। आप इसको इस तरह से अपने साथ लेके जा सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक मिनट, ये निकल नहीं रहा। एक मिनट, आप बिल्कुल इसी तरह से एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जोगर्स पैंट्स इसके लिए बहुत ही परफेक्ट है। अरे यार एमसी सुगा, मुझे लगता है कि शो को खत्म करने का टाइम आ गया है। जी हाँ बिल्कुल, शो को खत्म करने का टाइम आ गया है। आप अपनी आर्मी के लिए आखिरी लफ्ज को कहना चाहते हैं? हाँ क्यों नहीं, जैसा कि आपने देखा कि मैंने इंट्रोड्यूस करवाया अपने प्रैक्टिकल जॉगर्स पैंट को, जो हर सीजन के लिए परफेक्ट है, और साथ में ये क्यूट सी वाइन चैम भी। ये सब आर्मी का है। शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। और बहुत ज्यादा शुक्रिया हमारे मॉडल्स का, जेहोप और जंको, और हमारे एमसी सुगा का जिसने इस शो को होस्ट किया। बाय 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 बाय। हेलो प्यारे प्यारे आर्मी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। मुझे आप लोगों के फीडबैक की जरूरत है। आई पर्पल यू आर्मी, आई लव यू, बाय बाय।